दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत अलग है। लगभग मैंने नवंबर 2021 में एनीमे देखना स्टार्ट किया था। आप कह सकते हो नवंबर 15 को मैंने अगर एनीमे देखना स्टार्ट किया तो नवंबर 30 तक मैं नारुतो शिपुडिन के एंड एपिसोड तक ख़त्म कर चुका था। इतना ज़्यादा मुझे पसंद है और इतना ज़्यादा मैंने वो देखा है, इसलिए अब उस फील्ड में थोड़ा तो एक्सपीरियंस आ गया है। लोकी की तरह मैं अर्थ का गाइड बन सकता हूँ, समझ रहे हो। तो आज एक तो एनीमे देखने के लिए इंडिया में दो लीगल वेज है, या तो नेटफ्लिक्स या फिर क्रंच रोल। हम नेटफ्लिक्स की बात करने वाले हैं आज के दिन पे। नेटफ्लिक्स बहुत से लोगों के पास है, जैसे कि मेरे पास भी, और उस पर मैंने कई सारे एनीमेज देखे भी है। अब मैं उन फेमस एनीमेज की बात नहीं करूँगा, जैसे कि डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन या फिर बेसिक नारुतो जो भी उसके ऊपर है, जो मैंने उसी पे देखा था, और शिपुडेन दूसरे साइड से देखा। तो आज हम तीन ऐसे एनीमेज की बात करने वाले हैं जो कि आप में से कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, कुछ लोगों ने तो नाम भी सुना नहीं होगा, पर वो एक्चुअली बहुत अच्छे एनीमेज है। स्टोरी उसकी अच्छी है, उसमें एक्शन अच्छा है, एनिमेशन बहुत अच्छा है, और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप अब तक एनीमे फ़ैन नहीं हो, आपने एनीमे नहीं देखा है एक भी, तो मैं सजेस्ट करूँगा इन तीनों में से किसी एक एनीमे को देख कर आप स्टार्ट करो, आपको सारे एनीमे पसंद आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम 1K आने का मैं आपको बताऊंगा, अभी आया नहीं है, आएगा, हम थोड़ा नज़दीक जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो सब्सक्राइब कर लो, और सिर्फ यही चैनल नहीं है, हमारे पास सेकंड चैनल भी है, उस पर बहुत कम सब्सक्राइबर है यार, इसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। जिस इतने सब्सक्राइबर इस मेन चैनल पे आ गए, पर उस पर सिर्फ 10-15, मतलब करो सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, हाँ। और बाकी मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, इन सब को भी फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे नए वीडियोस के, जैसे कि अभी ये वीडियो भी आ ही गया होगा। तो इंट्रो ही पैकअप करते हैं और मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स। हमारा जो पहला एनीमे है ना, वो इस लिस्ट में बाकी दोनों एनीमे से थोड़ा बेटर है या थोड़ा कम है कुछ कुछ मामलों में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो असैसिनेशन क्लासरूम, ये ज़बरदस्त है, इसका स्टोरी अच्छा है, इसके साइंस फिक्शन है, ऐसा एग्जिस्ट हो नहीं सकता रियल वर्ल्ड में, पर वो कोई भी एनीमे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर ये ज़बरदस्त है। ओके, सबसे पहले तो ना इसमें एक मस्त ह्यूमन एलियन, क्या बोल सकते हो पता नहीं, वो टीचर बनता है और उसकी क्लासरूम उसे असैसिनेट करने की कोशिश करेगी, जो भी बंदा उस। ये एनीमे बहुत ज़बरदस्त है, इसका एनिमेशन तो बहुत अच्छा है, वो मार्क 5 या मार्क 20 के स्पीड से कुछ तो ट्रैवल कर सकता है, उसका इंडिस्ट्रक्टेबल वगैरह वगैरह कुछ ना है, गवर्नमेंट ने स्पेशल वेपन्स बनाए हैं जो उसे मार सकते हैं, और सिर्फ मारने की परमिशन सिर्फ उन बच्चों को है, उनके पास 1 साल है, उसमें भी उनके ग्रेड्स वगैरह और भी बहुत कुछ, ज़बरदस्त एनीमे है यार ये। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत गंदा है इन चीज़ों के बारे में, पर अगर आप देखोगे ना वो एनीमे तो आपको पता चलेगा क्या ज़बरदस्त है वो। ओके, हमारी नेक्स्ट एनीमे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनीमे है ना, वो है हंटर एक्स हंटर। ये 6 सीजन्स का एक बहुत ही मस्त एनीमे है, इसका सिर्फ 5th सीज़न थोड़ा लंबा है, वरना ये 170 टू 180 एपिसोड्स में पैकअप हो जाता है, नहीं उससे ज़्यादा होगा, 200 के आसपास हो जाएगा एक्चुअली, 200 के आसपास एपिसोड्स में पैकअप हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो नारुतो में चक्रा होता है, इधर नैन है, जिसके इस्तेमाल से अलग अलग पावर्स अनलॉक किए जाते हैं। 4 मेन कैरेक्टर्स है, गोन जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, किलुआ जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, और क्या नाम था बे वो डॉक्टर का, नाम क्या था, शिट वो याद रखने लायक नहीं है, उसका नाम याद भी रखता है, वो बहुत खड़ूस आदमी, पर वो प्रोटैगनिस्ट में से आता है। और हमारे पास है हमारा चेन यूज़र, जिसका नाम आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट्स में, डोंट फॉरगेट,
वो इतना स्ट्रांग बनता है एक मोमेंट पे कि वो फैंटम ट्रूप के लीडर को हरा दे। अब फैंटम ट्रूप क्या है, तो वो पहले 2 या 3 सीजन तक मेन विलन ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके बाद किमेरा एंट्स बन जाती है और भी बहुत कुछ है, और हंटर एसोसिएशन भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी फर्स्ट सीज़न एक्चुअली हंटर एग्जाम है, जिसको देखना बाप लगता है। फर्स्ट सीज़न ही बहुत ज़बरदस्त है, 6th सीज़न और फिफ्थ सीज़न की तो बात ही मत करो, और 6th सीज़न में जब गोन को उसके पापा मिलते हैं फाइनली, तब तो मज़ा और भी बढ़ता है। उनको पास एक्चुअली अभी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी करने के लिए, बहुत कुछ बाकी है स्टोरी में, पर उन्होंने उसे कंटिन्यू नहीं किया 2014 के बाद। ऐसा क्यों करते हैं ना पता नहीं, क्यों वैसे तभी एनीमे का इतना ये था भी नहीं, सिर्फ नारुतो फेमस हुआ था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अमेरिका में एयर हुआ, ऐसा कुछ तो है। पर हंटर एक्स हंटर बहुत देखने लायक चीज़ है, अभी भी उसे सपोर्ट करके आप रीस्टार्ट करवा सकते हो, तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू हैश टैग रीस्टार्ट हंटर एक्स हंटर, ज़बरदस्त होगा। अब ये एक्स वाली एक एनीमे हो गई, एक्स वाली तीसरी एनीमे, सॉरी ये तो दूसरी एनीमे थी हमारे लिस्ट की, पर हमें तीसरे एनीमे भी एक्स आता है, कौन सा वाला आपका नहीं एनीमे की बात कर रहे हो। तो हमारी तीसरी एनीमे है स्पाई एक्स फैमिली। हाँ, आप में से बहुत लोगों को ये पता चल ही गया होगा, उसके अभी भी 2-3 ही एपिसोड आए, रिसेंटली चालू हुई है वो, लेकिन उसके बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन है, एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है जो कि बहुत आगे तक जाकर डेवलप हो सकती है। उसमें वो छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट एक्सप्रेशन देती है, ऊपर से उसके पास टेलीपैथिक पावर्स है, मतलब मजाक नहीं है। मेरा उसके साथ रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है, लेकिन अब हमारे पास 2 कैमराज है, तो गेट रेडी, हमारा चैनल डेवलप हो रहा है। हाँ, यक्स यार, दिख रहा है क्या? लेकिन ये जो है ना, ये स्पाई एक्स फैमिली, ये अब तक की लिस्ट में सबसे बेस्ट एनीमे होगी, ये मैं आप तीनों में सबसे बेस्ट एनीमे यही है, ऐसा मैं आपको बात करना चाहते हो तो इसी इसी से करो, ये ऐसा मैं रेकमेंड करूँ। अब हमें एक्सपर्ट हो गए हैं ना इसमें, वरना तो अगर इससे काम नहीं बना ना, तो सीधा डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन या फिर नारुतो से स्टार्ट करो, उसके बाद तो तुम्हें नाइनी में देखने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे पागल हो जाओगे तुम लोग। मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल्ड हूँ, समझे? तुम भी कंट्रोल्ड है ना, ज़्यादा एनी में देखोगे ग्रेड्स कम हो जाएंगे, वैसा नहीं करना है, समझे? चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल आर चैनल्स। हाँ, इस वीडियो को तो स्पेशली लाइक करो, मैं हर रोज़ अभी शॉर्ट्स डालने का ट्राई करता हूँ, तो वो भी देखा करो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करें, मेरे अलग अलग जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर भी फॉलो कर लो, बहुत पसीना बहता है बे एक वीडियो बनाने के लिए, कम ऑन, इस पसीने के लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है।